वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, किसी वीर वालों एक सवाल पूछा गया सी, ते उस वीर का सवाल ये सी वी देखो जी, मैं जाने अनजाने दे विच मच्छी वाले कैप्सूल, वो जिहड़े मच्छी वाले कैप्सूल हुंदे आ ना ताकत दे, वो कैप्सूल खा ले आ, ते मैं अमृतधारी सिंह हाँ, अमृतपान किया होया, खंडे की पोल छकी हुई आ, ते की मेरा वो मच्छी वाले कैप्सूल मैं खा ले आ, उस मच्छी वाले कैप्सूल खाण दे नाल अमृत छकिया भंग हो गया, खंडे की पोल भंग हो गई है जां फिर नहीं हुई। तो संगत जी, अज दे इस प्रोग्राम विच मैं आप जी दे नाल इसे ही विषय के संबंध में कुछ विचार जिहड़ियां ने सांझियां करन जा रहे हैं, ते आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा अज इस प्रोग्राम नूं शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखना है, ते होरना संगतां नाल वध तों वध शेयर जरूर करना है। संगत जी, सब तो पहली गल तां इह ख्याल रखो, जदों सानूं पंज प्यारे अमृत की दात दिंदे आ, खंडे की पोल छकाउंदे आ, पंज चूले असी मुख राही पीते हाँ वाहेगुरू का नाम लैके, पंज छिट्टे पंज प्यारे जिहड़े आ वाहेगुरू का नाम लैके साडे नेत्रां च मारदे आ, फिर पंज चूले साडे केसां च पाउंदे आ, असी ककार धारण करदे आ, ते इस रहत मर्यादा दे नाल जिहड़ा अमृत पान जिहड़ी खंडे की पोल पंज प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ के गुरु पातशाह की हजूरी विच सानूं छकाउंदे आ, वो अमृत छकिया होया कभी भी आसानी नाल भंग नहीं हुंदा। एक बारी मैनूं याद आ, सरदार हरी सिंह नलुआ उन्हां दे कोल एक सिंह आया, ते वो सिंह ने ना अपने शरीर दे उपर पाई हुई गात्रे कृपाण ला के वो हरी सिंह नलुए नूं देन वक्त कहन लगा भी हरी सिंह नलुआ जी, सरदार जी, ये लो गात्रे कृपाण मेरे ककार लो, ते जेड़ा अमृत मैं छकिया सी पंजा प्यारियां दे कोलों खंडे दी पोल छकी सी, हुण मैं वो अमृत जेड़ा है वो मैं तुहानू वापस देना, मैं अमृत हुण भंग कर दिता है। सरदार हरी सिंह नलुए ने पते की किया, सरदार जी ने किया भी वो सज्जना एक गल याद रख, अमृत जेड़ा तू छकिया पंजा प्यारियां कोलों, खंडे दी पोल जिहड़ी तू छकी है पंजा प्यारियां कोलों, भी तू कहे भी आ लै लो जी ककार, मैं अमृत भंग कर दिता है, इदा भंग नहीं हुंदा। जेड़े पंज चूले तू पीते आ ना, हुण ओ असी पंज चूले तेरे अंदरों कढ़ांगे। जदों सरदार हरी सिंह नलुए ने थोड़ा उन्हूं घूरिया, फिर उन्हूं प्यार नाल समझाया, यो सज्जना गुरु दा बख्शिश कीता ये अमृत, गुरु दी बख्शिश कीती है खंडे दी पोल, ये अमोलक दात आ, ये तेरे ककार लाया इदा भंग नहीं होनी, इहदी संभाल कर, मर्यादा विच अपना जीवन रख। सो मेरे कहण तो भाव ये आ भी संगत जी, जिहड़ा अमृत छकदे आ असी सारे, इन्ने सौखा थोड़ा वो भंग हो जाए। भंग पता है कदों हुंदा है, जदों असी कोई बहुत वड्डी बजर कुरैत करदे आ, ते वार वार वो कुरैता करी ही चले जांदे आ, जिवें पंज प्यारे भी सानू दसदे आ भी केस नहीं कतल कराउणे, हुक्का कूठा चरस अत आदिक नशा शराब का वो नहीं वरतना, फिर कूठा मांस नहीं खाना, पर पुरश या पर इसत्री का संघ नहीं करना, ये कुरैतां नहीं करनियां जीवन च। पर जदों असी कुरैतां वार वार कर्म करी चले जाते हैं उदों फिर ये साडा अमृत छकिया भंग हुंदा है, ना कि इस कंडीशन दे विच भी किसी ने मच्छी वाले कैप्सूल खा ले आ जां नहीं खादे। हुण देखो तरह तरह दियां मैडिसिन जिहड़ियां ने वह बाज़ार विच मिलदियां ने, तरह तरह के सानूं रोग लगे हुए आ बॉडी नूं शरीर नूं, पता नहीं किन्ने किस्म दियां दवाइयां असी खा रहे आ, हुण जिन्नियां दवाइयां असी खा रहे सानूं की पता है उन्हां दवाइयां दे विच किहड़े किहड़े कैमिकल जां की किहड़ी किहड़ी चीज़ उन्हां दवाइयां विच पाई हुई आ, जानवरां दी चमड़ी उन्हां दवाइयां दे विच आ, सानूं की पता है। चलो जे किसी नूं पता भी होवे भी आ मेडिसिन दे विच आ चीज़ है, कोई मांस वगैरह है, तो फिर की वो दवाई लैना बंद कर देगा? जे वो दवाई लेगा भी की उहदा अमृत छकिया भंग हो जाएगा? इदां भंग नहीं हुंदा। अगर तुसीं महाराज दी बाणी नाल जुड़े हो, गुरु पातशाह दी बाणी दे आशे अनुसार अपने जीवन च कर्म कमा रहे हो,
प्रभु दे नाम दे नाल तुसी जुड़े हुए हो, अपनी रहत मर्यादा नू पाल रहे हो, फिर अमृत छकिया इदा भंग नहीं हुंदा वी आ मच्छी वाले कैप्सूल खाने ते मेरा अमृत भंग हो गया। इदा अमृत छकिया भंग नहीं हुंदा, अमृत छकिया उदों भंग हुंदा है जदों असी विकारां दे विच ग्रस्त हो के असी ओ कर्म करदे आ जिहड़े गुरमत तो सारे कर्म उल्ट हुंदे आ, चोरी जारी ठगी फरेबी, जदों ऐसे कर्म असी वार वार करी जांदे आ जीवन च। हाँ ठीक आ, कदी कदाई कोई साढ़े कोलों भुल्लां जिहड़ियां ने जरूर हुंदियां ने, ठीक आ, ये नहीं है भी असी भुल्लनहार नहीं आ, असी गलतियां नहीं करदे, असी गलतियां दे पुतले आ, भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करतार। पर मैं हमेशा बेनती करता हुंदा, भुल तां असी करदे आ, गलती तां असी करदे आ, पर जदों भी तुसीं महाराज की बाणी पढ़ते हो हाथ जोड़ के महाराज कोलों भुल की जिहड़ी खिमा भी मंग लिया करो, जाने अणजाने विच हो जांदियां ने गलतियां। असी ऐसा नहीं कह सकते भी असी गलतियां नहीं करते, पर यह भी गल ठीक नहीं भी वार बार असी अमृत छकिया भंग करी जाइए तो वार बार पंजा प्यारिया को जाके असी अमृत की पौल जी खंडे की पौल वार बार ले जाइए, क्योंकि कई सज्जन इदा ही करते हैं, कई तो दस दस पंद्रह पंद्रह वारी भी वारी भी जाके अमृत छक छक आते वार बार पंजा प्यारिया को जाके वो तरला करते भी सानू अमृत छका दो, फिर पंज प्यारे उन्होंने सेवा भी लाई जाते हैं भाई, वार बार खंडे की पोल छकी जानी फिर वार बार उही कर्म दोहराई जाने ये गल ठीक नहीं आ। जे खंडे की पोल छकी आ फिर उन्हों नेम दे विच निभाइए भी असी। हाँ कदी कदाई तुहाडे कोलों कोई गलती पुल हुंदी आ, गुरु बख्शन जोगे अरदास करिया करो, महाराज जी कहा करो महाराज सानू सीधे राह पा, सानू मत समात दे, असी गलत पासे ना चल सकीए। सो उम्मीद करदा भी अज्ज दे इस प्रोग्राम विच दित्ती हुई जानकारी आप जी नूं जरूर समझ में आ गई होगी। जे अज्ज दा प्रोग्राम आप जी नूं पसंद आया होवे इहनूं वध तों वध संगत नाल जरूर शेयर करो। सारिआं दा धन्नवाद, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।